Hi everyone, welcome back to my channel Cheer.pk and today we are going to learn different type of mask uh, which we can uh, make in Adobe Illustrator. So uh, basically there are three type of mask uh, masking we can do in Illustrator. Uh, number one is draw inside, second is clipping mask and the third is opacity mask. So we are going to try all of these one by one and I hope this session will be very interesting and very useful for you so let's get started first of all we are going to work on draw inside mask Achha, uh, the thing is uh, yahapek is masking a function ye hai ki you can draw different shape inside any shape hai, ho, it's not a compulsory k it should be a rectangle it can be lips circle whatever a star whatever you want to create

एंड देन आप देखिएगा इस शेप के, के चारों तरफ एक फ्रेम टाइप आ गया है ये ऑप्शन सिलेक्ट हो गया ठीक है और यहां पे आपने क्या करना है शेप टूल्स में जाने हैं यू कैन राइट शेप लाइक हम ये स्टार्स चूज कर लेते हैं एंड इसका कलर डिफरेंट रख लेते हैं ताकि ये इजीली पता लग जाए कि यार डिफरेंशिएट हो सके ओके, वी सिलेक्टेड द कलर लाइक रेड ले लेते हैं ठीक है ओके और जस्ट क्रिएट डिफरेंट स्टार्स डिफरेंट साइज़ेस के कुछ स्टार्स हम इसमें क्रिएट करेंगे जस्ट मेक दिस काइंड ऑफ स्टार्स ये रिखेगा. ये जहाँ जहाँ बनाते जा रहे हैं ये इसके अंदर क्रिएट होता जा रहा है ठीक है ड्रॉ इनसाइड मास्किंग में ये है कि जो इसके अंदर आप शेप ड्रॉ करेंगे वो पूरी होगी और जो भी शेप इस मेन शेप से बाहर जा रही होगी वो इसको ऑटोमेटिकली ये रिमूव कर देगा ठीक है लाइक ये देखिए मैं स्टार बनाया है एंड आई एम जस्ट मेकिंग लाइक दिस उस स्टार को कंप्लीट किया एंड आई लीव इट तो जो शेप स्टार की अंदर रह गई है वो डिस्प्ले होगी और दूसरी जो है वो लाइक क्लियर हो जाएगी ड्रॉ इनसाइड मास्किंग ठीक है अच्छा अब वी हैव कम्प्लीटेड द ड्रॉ इनसाइड मास्क अब इसके बाद हम जाएंगे क्लिपिंग बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड वी हैव टू स्विच ऑफ द ड्रॉ इन साइड ऑप्शन जो हमने पहले सेलेक्ट किया था वी हैवी है नॉर्मल ऑप्शन ठीक है ये फर्स्ट वन इज ड्रॉ नॉर्मल इसे सिलेक्ट करना है नाव वी आर गोइंग फॉर द क्लिपिंग मास्क इसमें दो किस्म की चीज होती है क्लिपिंग मास्क इस ये है कि आपकी एक शेप है या फॉर एग्जाम्पल कोई भी पिक्चर है या कोई शेप है एंड यू वॉन्ट के मैं एक शेप बना रहा हूँ और उसके अंदर मैंने इस पिक्चर को या इस पर्टिकुलर शेप या डिजाइन को या टेक्स्चर को फिट करना है तो लाइक वी हैव शेप बिहाइंड रेक्ट एंगल हम इसको कंसिडर कर लेते हैं ये एक शेप है या ये कोई टेक्स्चर है और एनी वेक्टर फाइल, उसके ऊपर उसको हमने इस शेप के अंदर लेके आना है जो हमने बार क्रिएट की है ठीक है तो इसका तरीका क्या है हमने जो जिस शेप के अंदर आपने पिक्चर या किसी और शेप विद टेक्सचर को लेके आना है उसको हमने फ्रंट uh, पे रखना है फॉर डैट लाइक अगर आपने ये रेक्टेंगल क्रिएट किया और ये जो है ये बैक साइड पे फॉर एग्जाम्पल इस रेक्टेंगल को आपने क्रिएट किया एंड इट्स ऑन बैक ठीक है

Right देखिएगा वो जो पिक्चर थी वो इस शेप के अंदर फिट हो गई है ठीक है इसी तरह अः आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं कोई कार्टून या कोई सीन आपने उसके ऊपर के अंदर लेके आना है तो वो भी आप इसी तरह क्लिपिंग मास्क ला सकते है, है? अगर आपने कोई इसमें करनी है है कुछ करना है, राइट एंड क्लिपिंग मास्क करके तो आप एडिट कर सकते हैं इस पिक्चर को ठीक है सो मूविंग ऑन द वर्डिटी मास्क अच्छा ये हमारी एक शेप है यू कैन कंसिडर इट ऑफ पिक्चर कुछ भी आप इसे कंसिडर कर लें एंड देन आपने करना क्या है वी आर गोइंग टू यूज द ओपेसिटी मास्क अच्छा इसका मजा क्या है कि ये चीज जो है इस ओपेसिटी में वी यूज द ग्रेडियंट टूल जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने एक शेप बनाई हुई है इसके ऊपर मैंने एक आ, उसी तरह का रेक्टेंगल बार बनाया हुआ ठीक है मगर उसके अंदर फिलिंग सॉलिड कलर की नहीं है इट्स ग्रेडियंट फिल अच्छा ओपेसिटी मास्क करता क्या है जो वाइट एरिया होता है वो उसको शो कराता है और जो ब्लैक एरिया होता है उसको वो शो नहीं कराता ठीक है तो जब भी आपने ये मास्किंग टूल यूज करना है कीप इन योर माइंड कि जो एरिया ब्लैक जितना ज्यादा ब्लैक एरिया रखेंगे ग्रेडियंट में उतना ज्यादा वो उस पिक्चर को या उस शेप को नहीं शो करेगा जितना एरिया वाइट होगा या लाइट वाइट होगा उतना इस उसको वो क्लियर शो करेगा और जितना लाइट डार्क होता जाएगा उतना सेमी कलर होता जाएगा सेमी ट्रांसपेरेंट होता जाएगा एंड व्हेन इट ज द ब्लैक अब इसी तरह मैंने रेक्टेंगल और पीछे हमारी शेप है, है? इसमें मैंने कलर जाकेरेंस में जाके तो यहाँ पे आप ग्रेडियंट कलर चूज कर सकते हैं अगर आपने इसे एडिट करना है तो यू कैन गो टू देंट ऑप्शन एंड एडिटेड इसमें जो भी अपने कलर रखने ठीक है

वो गायब हो गया जितना एरिया वाइट था उससे लाइट वाइट था वो वो सेमी ट्रांसपेरेंट शो हो रहा है और जो बिल्कुल वाइट था वो क्लियर कलर शो कर रहा है ठीक है इसी तरह अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि हाउ हॉइट वर्क इट एंड अब ये देखिएगा कि वो जितना ये ब्लैक है वो हाइड कर रहा है जितना वाइट है वो डिस्प्ले कर रहा है एंड दिस इज कॉल्ड ओपेसिटी मास्क इसमें हम ग्रेडियंट इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं टू मेक इट अ गिव इट अ गुड इफेक्ट

अब ये हमारे पास एक पिक्चर है इसको हम ले जाते हैं फ्रंट पे टू शो यू ठीक है ये हमारे पास एक पिक्चर है अब हम इस पे एक सर्कल का ओपेसिटी मार्क्स लगाने लगे हैं विद सम ब्लर इफेक्ट ताकि ये एक मैगजीन या किसी इस तरह की चीज में आप यूज करें रहे सर यू वांट समथिंग विद अ गुड इफेक्ट ऑन इट तो अब ये हमारे पास एक पिक्चर है ठीक है इसको हम ले जाते हैं सिलेक्ट करके विद द लेफ्ट क्लिक एंड देन राइट क्लिक उसके बाद अरेंज सेंड टू बैक

now what we have to do is go to effect and blur and gaussian blur gaussian blur pe ja ke aap yahan pe blur different kisam ka select kar sakte hain sorry i didn't select the circle first you have to select the circle you created or any shape and go to uh, effect and blur and gaussian blur अब ये देखिए कि यहाँ पे आप preview के साथ आप देख सकते हैं कितना blur रखना है मैंने कम रखना है ठीक है like you can go to this one this one this one ठीक है ना जितना आपने प्लेयर रखना है आई कीप इट टू सेवेंटी फाइव सो इट लुक मोर प्रैक्टिकल देखिए ये हो गया ठीक है एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके ठीक है अब ये आपका ब्लर सर्कल रेडी हो गया विद ब्लर एजेस ठीक है सर्कल सॉलिड uh, है मगर इसके एचेस ब्लर है ठीक है अब हमने क्या करना है पिक्चर और सर्कल दोनों को कट्ठा सेलेक्ट करना है एंड यू देखिए इसमें थोड़ी सी ये शेप जो है ना नजर आ रही है बाहर से लाइक ये इसके एडजस्ट पिक्चर के नजर आ रहे हैं तो उसके लिए आपने करनाट होल पिक्चर जो आपने एडिट किए एंड गो टू अपीयरेंस ठीक है अपीयरेंस में देखिएगा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं कि क्या क्या चीजें आपने इसमें सेलेक्ट की हुई हैं तो इफ़ यू गो टू विंडोज अपीयरेंस तो आप इसमें देखिएगा यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन आ रहे हैं गो टू क्वेशन ब्लर इस पर आप डबल क्लिक करें ठीक है और आप अपने ब्लर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं लाइक इफ आई इंक्रीज इट तो ये जो है ना मतलब उस हिसाब से दिखाना शुरू like कर देगा लाइक ब्लर चेंजेस कर देगा उसके अंदर मतलब जो आप अब देखिएगा यहाँ पे जो पहले 75 फाइव वे ये लाइन नजर आ रही थी इसको एक ही पिक्चर की वो चीज गायब हो गई है एंड योर पिक्चर इज लुकिंग मोर कूल एंड मोर प्रोफेशनल ठीक है सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क यू कैन यूज इन इलेस्ट्रेटर सो आप इसे अपने काम में अप्लाई करें एंड क्रिएट डिफरेंट थिंग्स और अगर आपको कोई भी चीज़ में समझ नहीं आती एंड यू वॉन्ट टू आस यू हैव सम क्वेश्चन एंड यू वॉन्ट टू आस मी Uh, you can ask in the comment sections, and we a community group on Facebook so you can upload we can share different thoughts on it so I hope you enjoyed this session and you have learned a lot uh, from this class so if you like my tutorial please subscribe my channel and uh, uh, give it a like and hit the bell icon for more tutorials and do share my channel with your friends take care allah hafiz bye